नायब तहसीलदार अमित कुमार सिंह तथा खास सुरक्षा अधिकारी प्रतिमा त्रिपाठी के संयुक्त नेतृत्व में सैजनवा कस्बे में स्थित कुल 9 मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें लॉकडाउन के पहले बनी मिठाइयां दुकान में पाई गई जो मानव उपयोग के लिए प्रथम दृष्टया अनुपयुक्त थीं और कुल 1.5 क्विंटल मिठाई अपने सामने नष्ट कराया। छापेमारी में सैजनवा स्थित 56 भोग मिष्ठान भंडार सहित रामराज मिष्ठान भंडार, बंसराज भोला आर के हर्ष संजय यादव मिष्ठान भंडार तथा आनंद मिष्ठान भंडार शामिल है। इस संबंध में खास सुरक्षा अधिकारी प्रतिभा त्रिपाठी ने बताया कि लॉकडाउन के पूर्व बनी सभी मिठाइयां अनुपयुक्त हो चुकी हैं, उसे कोई भी दुकानदार बेचने की कोशिश न करे। अगर कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। साफ सुथरा कराएंगे दुकान, वो इसको अच्छे से साफ करा लेना। ये बना, ये कल मैंने दो तीन दिन इसको हटाइए, फिर दे उसको पार्टी में फेंक दो ना, फिर क्या दस दिन चारों खाने चीज तोड़ लगी, ठीक है हो गया यार, दिल से मतलब अरे अभी झाड़ू से ढकेल देंगे, वो है बांस का टुकड़ा है, ढकेल देंगे।